Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you Complete Revision of Unit 1 Managerial Economics. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन, जो कि सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ए सब फील्ड ऑफ सोशल साइंस इज इकोनॉमिक्स. इट कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग डिसीजन मेड बाय पीपल, families, businesses, industries and government. These decisions involve allocating limited resource to productive use to maximize gain or satisfaction. Economics जो है एक subfield है social science का. इसका जो concentration होता है ये होता है study पर decision के जो कि लिए गए होते हैं people के द्वारा, families, business, industries और government के द्वारा. ये सभी जो decision है involve करते हैं allocating limited resource to productive use. लिमिटेड रिसोर्स का प्रोडक्टिव यूज हो जिससे कि मैक्सिमाइज गेन हो और सेटिस्फेक्शन हो. इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट एंड नीड्स. इकोनॉमिक्स जो है ये जो है सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड की और साथ ही साथ सर्विसेज की, जिससे कि समझ में जाए कि किस तरीके से सोसाइटी जो है एलोकेट करती है अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी वांट्स को, नीड्स को. इट इज ए फील्ड दैट एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट इन मेकिंग चॉइस अबाउट हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव. नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का क्या नेचर है? इकोनॉमिस्ट डिबेट वेदर इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एंड इफ सो वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉर्मल. इफ इट इज एन आर्ट, साइंस एंटेल द मैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, द डिस्कवरी एंड कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन, द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ बाय ऑल एक्सपेरिमेंट, फोरकास्टिंग एंड मेजरिंग. इकोनॉमिस्ट जो है इनके बारे में जो है इन्होंने डिस्कशन करा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है हमारी जो है नेचर क्या है साइंस का, ये जो है इकोनॉमिक्स जो है साइंस है या साइंस है तो पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, अगर आर्ट है तो वो कैसे है. मार्केट फोर्सेस. सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन प्राइस एंड क्वांटिटीज इन मार्केट. जो हमारी सप्लाई है और डिमांड है ये डिटरमाइन करती है प्राइस और क्वांटिटीज इन मार्केट. मेजरमेंट एंड डेटा. इकोनॉमिक्स एनालाइज रिलाइज ऑन डेटा लाइक जीडीपी एंड इन्फ्लेशन. पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है. इकोनॉमिक्स गाइड पब्लिक पॉलिसी डिसीजन. जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये गाइड करती है पब्लिक पॉलिसी डिसीजन. नेक्स्ट है हमारा डायनामिक एंड इवोल्यूशन. इवॉल्व विद चेंजिंग सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स. डायनामिक एंड इवॉल्विंग में क्या है, ये जो है इवॉल्व करती है विद चेंजिंग सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक्स. मल्टी डिसिप्लिनरली ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन फॉर होलिस्टिक व्यू. Making choices with trade-off when it comes to resource use is known as choice. Opportunity cost the cost of the next best option in decision making. Economic agent react to financial and non-financial incentives. Rationality assume people make choice that will maximize their well-being in the face of limits. इकोनॉमिक्स एज ए साइंस. इकोनॉमिक्स एज ए साइंस में नंबर वन हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव साइंस. इकोनॉमिक्स exhibits characteristics of a positive science. It relies on systematic knowledge and logical explanation. जो हमारी economics है ये जो है rely करती है systematic knowledge पर और logical explanation पर. It explore cause and effect relationship. ये जो है explore करती है cause and effect relationship, जैसे कि law of label specialization. Economics is typically considered a positive science by most economists. Economics जो है ये जो है consider करा गया है positive science ज्यादातर economists के द्वारा. Economics as a normative science. Normative science. Economics also display traits of a normative science. जो हमारा economics से ये display करता है traits of a normative science के. Human have emotional and sentimental attachment to economic activities, which fall under normative settlement. Economics aim to improve human welfare, which involve normative judgment. Economics planning a significant aspect involve normative view. Economics as an art. Some economists include T.K. Mehta view economics as an art. Kuch economists hain jo ki इकोनॉमिक्स को एज ए आर्ट कंसीडर करते हैं. उनमें से एक हैं
टी की मेहता। आर्ट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज प्रैक्टिकली टू अचीव स्पेसिफिक गोल। आर्ट में इन्वॉल्व होता है अप्लाई करना नॉलेज को प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए स्पेसिफिक गोल को। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड गाइडेंस फॉर सॉल्विंग रियल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। जो इकोनॉमिक्स है ये प्रोवाइड कराती है गाइडेंस सॉल्व करने के लिए रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। इन द सेंस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स जो है आर्ट है बिकॉज ये जो है टर्न करती है प्रिंसिपल को इनटू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में। इसीलिए जो टी के मेहता हैं और भी इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट कंसीडर करा है। कंक्लूजन। इकोनॉमिक्स इज नाइदर सोनली इज साइंस नॉर आर्ट बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कंक्लूजन में ये निकलता है कि ना तो इकोनॉमिक्स साइंस है और ना ही आर्ट है, ये एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। इट इंटीग्रेट साइंटिफिक एस्पेक्ट सच एज लॉजिकल एनालिसिस एंड कैजुअल रिलेशनशिप विद नॉर्मेटिव एस्पेक्ट लाइक ह्यूमन इमोशन एंड वेलफेयर कंसिडरेशन। द साइनर्जी बिटवीन साइंस एंड आर्ट इन इकोनॉमिक्स अलाउ इट टू एड्रेस रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक चैलेंज इफेक्टिवली। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? नंबर वन, डाइवर्स व्यू ऑन द स्कोप। इकोनॉमिस्ट होल्ड वेरी ओपिनियन अबाउट द टॉपिक मैटर साइंटिफिक कैरेक्टर वैल्यू जजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू रियल वर्ल्ड इश्यू। इकोनॉमिस्ट ने जो है अलग अलग ओपिनियन रखे हैं किसके बारे में, टॉपिक मैटर जैसे कि साइंटिफिक कैरेक्टर वैल्यू जजमेंट और एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू रियल वर्ल्ड इशू। वेदर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो इज ए ह्यूमन साइंस इंक्लूडिंग इंडिविजुअल चॉइस लाइक रोबिन्स ऑन ए डेजर्ट आइसलैंड और ए साइंस सोशल साइंस फोकसिंग ऑन डिसीजन हैविंग सोसाइटल रिपरसुएशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन इन सोसाइटी इज अप फॉर डिबेट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स स्टडीज और फिनोमेना रिलेटेड टू वेल्थ एंड वैल्यू। इकोनॉमिक गुड्स वेल्थ क्रिएशन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट वैल्यू प्राइस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज एंड मार्केट। इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करती है सभी फिनोमेना की जो कि रिलेटेड होते हैं वेल्थ वैल्यू इकोनॉमिक गुड्स वेल्थ क्रिएशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन फंड्स साथ ही साथ वैल्यू प्राइस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी चीज के जो है स्टडी करती है इन सभी फिनोमिना की जो कि रिलेटेड होते हैं। रिसोर्स स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स एड्रेस द चैलेंज ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी वेयर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट मस्ट बी सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्स लीडिंग टू चॉइस एंड ट्रेड ऑफ। इकोनॉमिक्स जो है एड्रेस करती है सभी चैलेंजेस को ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी जहाँ पर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं इनको सेटिस्फाई करना कैसे करा जाए लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा। नॉट ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। इकोनॉमिक्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंटली फ्रॉम सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बींग ए साइंस बट नॉट ए प्योर साइंस लाइक फिजिकल एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की डिफरेंटली जैसे कि सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बींग ए साइंस बट ये जो है प्योर साइंस नहीं है जैसे कि साइंस में हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री प्योर इस तरीके से नहीं है। साइंस और आर्ट। हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी द डिबेट ऑन वेदर इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और एन आर्ट हैज ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट विद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कंसिडर इट इज ए प्योर साइंस एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो हमारी इकोनॉमिक्स है ये जो है साइंस है या आर्ट है? जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है इन्होंने जो है कंसिडर करा है एज ए साइंस बोथ साइंस एंड आर्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को दोनों ही चीज कहा है साइंस एंड आर्ट विद ए थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल साइड। थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल साइड के अकॉर्डिंग एम्फेसाइज इट रेलिवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। इकोनॉमिक्स डील विद प्रैक्टिकल इशू लाइक इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट स्ट्रक्चर ग्रोथ पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी रिलेट रेलिवेंट टू सोशल एंड पर्सनल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स जो है डील करती है सभी प्रैक्टिकल इशूज से जैसे इन्फ्लेशन है अनएम्प्लॉयमेंट हुआ मार्केट स्ट्रक्चर है ग्रोथ कैसी है पॉल्यूशन क्या है सब चीज इन सभी चीज से जो है डील करती है इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट डिबेट। इकोनॉमिक्स डिफर ऑन वेदर दे शुड मेक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट और पास वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स डिसीजन। न्यूट्रलिटी इन एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड न्यूट्रलिटी वेयर इकोनॉमिस्ट शुड नॉट
endorses a specific and only providing way to achieve objective. One side critic Robbins' perspective, focusing on positive aspect and resource allocation, is criticized for neglecting welfare, macroeconomics and issue in developing countries. जो हमारे रॉबिन्स पर्सपेक्टिव है, इसमें जो है इन्होंने फोकस करा है किस पर, पॉजिटिव आस्पेक्ट पर, साथ ही साथ रिसोर्स एलोकेशन पर. इज ए क्रिटिसाइज्ड फॉर नेगलेक्टिंग, ये क्रिटिसाइज्ड हुए नेगलेक्ट करने के लिए वेलफेयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और इशू जो हैं हमारे इन डेवलपिंग कंट्रीज में है, इन सभी चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए जो है क्रिटिसाइज हुए रॉबिन्स. वन साइड क्रिटिक. प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर. इकोनॉमिक्स हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर आर ऑनगोइंग डिस्कशन अबाउट इट्स नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड फंक्शन इन रिसॉल्विंग रियल वर्ल्ड डिफिकल्टीज. द डिसिप्लिन इटसेल्फ इज व्यूड एज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट विद एप्लीकेशन टू सोशल एंड इंडिविजुअल चैलेंजेस. द क्वेश्चन ऑफ वेदर इकोनॉमिक्स शुड मेक नॉर्मेटिव जजमेंट और रिमेन वैल्यू न्यूट्रल इज स्टिल बींग डिस्कस्ड. जो इकोनॉमिक्स है इसका जो है एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है और ये जो है ऑनगोइंग है. डिस्कशन अबाउट इट्स नेचर, उसके नेचर के बारे में डिस्कशन, सब्जेक्ट मैटर और फंक्शन इन रिजॉल्विंग रियल वर्ल्ड डिफिकल्टीज. जो हमारे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, द डिसिप्लिन इट्सेल्फ इज व्यूड एज ए, डिसिप्लिन जो है दोनों ही तरीके से व्यू करा जाता है, एज ए साइंस और एज एन आर्ट, विद किसके साथ में, विद एप्लीकेशन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल चैलेंजेस. माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज हाउस होल्ड, फर्म एंड मार्केट. जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये जो है एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जिसका फोकस होता है स्टडी करने पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की, जैसे कि हाउस होल्ड है, फर्म है और मार्केट है. इट एग्जामिन्स हाउ दीज एंटिटीज मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक मार्केट और इंडस्ट्री. ये एग्जामिन करती है कि किस तरीके से ये जो एंटिटीज हैं डिसीजन लेती हैं, किसके अकॉर्डिंग रिगार्ड रिसोर्स एलोकेशन, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन करती हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन और प्राइसिंग किसी भी स्पेसिफिक मार्केट और इंडस्ट्री के. की कॉन्सेप्ट एंड एरिया ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर वन है हमारा डिमांड एंड सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एनालाइज करता है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का इन मार्केट. ये जो है स्टडी करता है किस तरीके से चेंज हो रहे हैं इन फैक्टर्स लाइक प्राइस, क्या किस तरीके से चेंज हुआ, इनकम और प्रेफरेंस अफेक्ट द डिमांड, किस तरीके से इन तीनों चीज़ों ने अफेक्ट डाला डिमांड पर. फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कोई भी चीज़ चेंज होती है प्रोडक्ट का प्राइस या जो हमारा बायर है उसकी इनकम इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो उसका जो है किस तरीके से चेंज आता है प्रोडक्ट को खरीदने पर. नेक्स्ट है हमारा एलास्टिसिटी. एलास्टिसिटी जो है मेजर करता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई टू चेंज इन द प्राइस और अदर वेरिएबल. एलास्टिसिटी जो है मेजर करता है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी, जो कि डिमांड करी जाती है और सप्लाइड करी जाती है टू चेंज इन द प्राइस. ये जो है हेल्प करता है एसेस करने में किस तरीके से सेंसिटिव कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं. आर टू प्राइस फ्लक्चुएशन, कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है कि किस तरीके से हमारी डिमांड बढ़ती है या कम होती है. अगर हमारा कोई किसी तरीके का ऑफर दिया जाता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, अगर हमने रेट ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई. किस पॉइंट पर हमारी डिमांड जो है सही है, ना ज़्यादा कम हो, ज़्यादा हमें जो है कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए, इस तरीके का पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट हो जहाँ पर भी कंज्यूमर भी खुश रहे और हमारी जो कंपनी को भी कोई लॉस ना हो. कंज्यूमर बिहेवियर. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल मेक चॉइस इन एलोकेटिंग देयर लिमिटेड रिसोर्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक्सप्लोर करती है कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है चॉइस करता है एलोकेट करने के लिए उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिससे कि उसे मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन मिल सके. जैसे कि हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंस में आया बजट कंस्ट्रेंट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. प्रोड्यूसर बिहेवियर. द स्टडी ऑफ फर्म डिसीजन इन्वॉल्व प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर. परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, किस तरीके का हमारे जो है मार्केट में कॉम्पिटिशन है, इसका भी जो है फर्क पड़ता है प्रोडक्ट के प्राइस पर. वेलफेयर इकोनॉमिक्स. दिस एरिया एसेस द एफिशिएंसी एंड इक्विटी ऑफ मार्केट आउटकम.
Concept like consumer and producer surplus are used to evaluate the overall welfare of society. Market failure, microeconomics identifies instances where market do not allocate resource efficiently, leading to market failure. These failures can be due to externalities, spillover effect, public goods or imperfect information. Market failure में जो है microeconomics जो है identify करती है वो instance जहाँ पर जो है market जो है allocate नहीं कर पाया resources को effectively, जिसकी वजह से market failure हुआ. ये सभी failure हुए किस वजह से? Split offer ओवर इफेक्ट और पब्लिक गुड्स की वजह से है. इन सभी चीज का जो है आइडेंटिफाई करा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से. कॉस्ट एनालिसिस, फर्म एक्सेस देयर कॉस्ट टू मेक प्रोडक्शन डिसीजन. दिस इंक्लूड एनालाइजिंग फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है, फर्म जो है एसेस करती है उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्शन डिसीजन. इसमें इंक्लूड होता है फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, वेरिएबल एवरेज कॉस्ट क्या है एंड देन मार्जिनल कॉस्ट. मार्केट स्ट्रक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कैटेगराइज करता है मार्केट को डिफरेंट स्ट्रक्चर में, उनके बेस्ड होता है नंबर पर, नंबर ऑफ फर्म और साथ ही साथ डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोस्पेसिटिक्स, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर कॉमन कैटेगरीज. माइक्रो इकोनॉमिक्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट रोल. किसमें? समझने में किस तरीके से इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एजेंट मेक डिसीजन, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट जो है किस तरीके से डिसीजन लेता है और किस तरीके से मार्केट फंक्शन और साथ ही साथ हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट, किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इम्पैक्ट डालती है आउटकम एट स्मॉलर एंड डिटेल्ड लेवल. स्मॉल लेवल पर और लार्ज लेवल पर किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज का या किसी भी तरीके का जो हमारे बायर है उसकी चेंज होता है इनकम में या कोई भी हमारे प्राइस भी चेंज होता है तो वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है. इट प्रोवाइड इंसाइट, ही प्रोवाइड कराता है इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, हेल्पिंग टू इन्फॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज. इसकी हेल्प से जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन करने में आसानी होती है और बिजनेस स्ट्रेटजीज करने में भी. ये जो है हमें प्रोवाइड करा जाता है इनसाइट, किसकी? बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की, दोनों चीज की. मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस ऑफ ए नेशन, रिलीजन और द वर्ल्ड एज ए होल. इट एग्जामिन्स द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये जो है ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि फोकस करती है किस पर, इस किस चीज की स्टडी पर, ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नेशन के, रिलीजन के और वर्ल्ड के एज ए होल. ये जो है एग्जामिन करती है एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि नेशनल इनकम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी चीज का जो है एग्जामिन्स करती है. ये सभी चीज इसके स्टडी में होते हैं. की कॉन्सेप्ट एंड एरिया ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड आउटपुट. वो कौन कौन सी एरिया हैं जो स्टडी करी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? नंबर वन है नेशनल इनकम और आउटपुट. जो हमारी नेशनल इनकम है और उसका आउटपुट है ये स्टडी करी जाती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स मेजर एंड मे एनालाइज द टोटल आउटपुट एंड इनकम generate in a economy that include the study of factor that determine the level of economic activity. जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये जो है मेजर करती है और एनालाइज करती है टोटल आउटपुट और साथ ही साथ इनकम जो कि जनरेट हुई है इन एन इकोनॉमी. इसमें इंक्लूड होता है स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ. मैक्रो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सच एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कैपिटल एम्यूलेशन एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल व्हाइल डिफ्लेशन इज ए डिक्रीज इन प्राइस. जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ प्राइस का,
इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन जो है हमारा रेफर्स होता है, इंक्रीज होता है जब जनरल प्राइस लेवल में, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और डिफ्लेशन होता है जब डिक्रीज होता है प्राइस में। जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस जो करते हैं इन्फ्लेशन को, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड और एक्सप्लोर। बिजनेस साइकिल, मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम, इंक्लूडिंग द कॉज एंड बूम, एक्सपेंशन मीन्स एंड कंस्ट्रक्शन। जब हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो भी हमारा फ्लक्चुएशन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक्सपेंशन हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सभी चीज जो है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी आर एनालाइज्ड फॉर देयर अफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन ए नेशंस इकोनॉमी। इट स्टडीज ट्रेड सरप्लस एंड डिटरमाइन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है या टैक्सेशन पॉलिसी, ये सभी एनालाइज करी जाती हैं फॉर देयर इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड ओवरऑल इकोनॉमी। जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है और फाइनेंस है, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स ही एक्सप्लोर करता है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक्सचेंज रेट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है नेशन इकोनॉमिक है, और ये स्टडी करता है ट्रेड डेफिसिट्स, सरप्लसेस का और डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विद इन ए सोसाइटी इज स्टडीड इंक्लूडिंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इनकम इनइक्विटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ विद इन ए सोसाइटी। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है और वेल्थ विद इन सोसाइटी, ये जो है स्टडीड होता है, इसमें इंक्लूड होता है फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू इनकम इनइक्विटी में। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फ्रेमवर्क इज यूज टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट एंड प्राइस लेवल। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है, इसमें जो है समझा जाता है कि किस तरीके से जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है अफेक्ट डालती है, चेंज करती है किसमें, कंजप्शन में, इन्वेस्टमेंट में और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट, ये जो है अफेक्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को और प्राइस लेवल को। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिस्ट डेवलप मॉडल्स एंड थ्योरीज टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक फिनोमेना। दीज मॉडल्स में इंक्लूड द काइसन मॉडल एंड द मोनेट्रिस्ट मॉडल एंड द न्यू काइसन मॉडल अमंग अदर। इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट नेशनल इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग इशू रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो हमारे इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो है ब्रांच है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि स्टडी करता है इंट्रैक्शन बिटवीन, जो इंट्रैक्शन होता है डिफरेंट कंट्री नेशनल इकोनॉमिक्स के साथ में इंक्लूड होता है, जैसे कि इशू रिलेटेड है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के, फाइनेंस के, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, ये सभी चीज हमारे इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर ट्रेंड एंड फोर्सेस दैट शेप द इकोनॉमी एज ए होल। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, कंसर्न होती है विद द अंडरस्टैंडिंग किसकी, ब्रॉडर ट्रेंड और फोर्सेस जो कि शेप करते हैं इकोनॉमी को एज ए होल। ये ऑफर करती है इंफॉर्मेशन ऑन द यूज ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बाई गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक टू अटेन डिजायर्ड मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि सच एज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस एंड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, जिससे कि हमारी स्टेबलाइज हो सके इकोनॉमी। मेकिंग एजुकेटेड जजमेंट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रिक्वायर्स द यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। हमें कोई भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बड़े जजमेंट करने हो, तो इसमें भी हमारे जो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स रेलिवेंस इन बिजनेस डिसीजन, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से ही ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, दैट इम्प्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जो अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल को और कॉन्सेप्ट को, किस लिए, जिससे कि इन्फॉर्म्ड और रेशनल बिजनेस डिसीजन लिए जा सके। इट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसका फोकस होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पर और टूल्स टू एड्रेस वेरिएबल मैनेजरियल इशू एंड चैलेंजेस दैट बिजनेस एनकाउंटर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स रेलिवेंस इन बिजनेस डिसीजन, की कॉन्सेप्ट एंड एरिया ऑफ फोकस इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डिमांड एनालिसिस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स असिस्ट कंपनीज इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर डिमांड एंड बिहेवियर। इट इंक्लूड रिसर्चिंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड, डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। दिस फील्ड फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर टू कट कॉस्ट वाइल इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग द आइडिया लाइक कॉस्ट कर्व एंड इकोनॉमिक ऑफ सेल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड प्रोडक्शन फंक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर। टू असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन डिटरमाइनिंग देयर प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रेटजी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लुक एट वेरियस मार्केट स्ट्रेटजीज। जो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये जो है हेल्प करती है डिटरमाइन करने में प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रेटजीज। ये जो है यूज करती है वेरियस मार्केट स्ट्रेटजीज का, जैसे कि मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग, ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में एक अप्रोप्रिएट प्राइस किसी भी गुड और सर्विसेज का, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट एलिमेंट लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड इलास्टिसिटी। इसमें जो है सभी चीज का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कॉस्ट आई, कॉम्पिटिशन कैसा है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है और डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है। इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करा जाता है। कैपिटल बजटिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्ले ए वाइटल रोल इन इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बाय कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही जो है प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट रोल, किसमें, एवेल्यूएट करने में इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, कैसे, बाय कंसीडरिंग फैक्टर्स। इसमें कंसीडर करे जाते हैं फैक्टर्स जैसे कि कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। मार्केट रिसर्च, द डिसिप्लिन हेल्प इन कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च टू गैदर डेटा एंड इंसाइट नेसेसरी फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन। रिसोर्स एलोकेशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स असिस्ट बिजनेस इन एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्स इफिशियंटली। इट हेल्प डिटरमाइनिंग वेयर टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। रिसोर्स एलोकेशन में जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे है काम करती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है हेल्प करती है बिजनेस को एलोकेट करने में लिमिटेड रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, जिससे कि जो हमारे पास कम भी रिसोर्सेज हैं तो हम उनका किस तरीके से मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि हमें किस एरिया में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपना मैक्सिमाइज कर सकें प्रॉफिट और अचीव कर सकें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग डिसीजन, सेटिंग द राइट प्राइस इज क्रिटिकल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड टूल्स टू एनालाइज कॉस्ट, डिमांड एंड मार्केट कंडीशन, हेल्पिंग बिजनेस टू मेक प्राइसिंग डिसीजन दैट मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर। जो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये जो है हेल्प करती है सेट करने में करेक्ट प्राइस, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी हो और जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से हमारी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। ये जो है सभी एनालाइज करती है कॉस्ट को, डिमांड को, मार्केट कंडीशन को, और उसके बाद ये हेल्प करती है बिजनेसेस को करेक्ट प्राइस डिसीजन लेने में मैक्सिमाइज कर सके, जिससे वो अपना रेवेन्यू और मार्केट शेयर को। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिडक्शन, बाय एनालाइजिंग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर बिजनेस कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट विच एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस। एनालाइज करके प्रोडक्शन और कॉस्ट स्ट्रक्चर को बिजनेस जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी किस चीज की, कॉस्ट रिडक्शन की और एफिशिएंसी, जिससे कि इम्प्रूव हो सके, जिसकी वजह से एनहेंस हो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हमारा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है और उस जगह पर जो है कई सारी कंपनी अवेलेबल हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट की सेल कम होगी। बट अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है सही है, कम है औरों के कंपैरिजन में और क्वालिटी भी अच्छी है, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी, उससे हमें फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट महंगा था, जब हमारे 10 पीस सेल हो रहे थे, जब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा हमने रेट कम करे और अदर कंपटीशन वालों के रेट हमसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर हमारे 10 पीस की जगह 1000 पीस सेल हुए, तो हमें जो है प्रॉफिट होगा ही होगा ज़्यादा।
Market entry and expansion. When considering entering new market or expanding operations, managerial economics help assess the potential risk and return associated with such decision. जब हम किसी भी मार्केट में एंट्री या किसी भी चीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसमें जो है हेल्प करता है हमारा क्या चीज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हम जो है किसी भी नए मार्केट में जाना चाहते हैं या कोई हमारा ऑपरेशन है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारा हेल्प करता है। किस चीज़ में, उससे रिलेटेड पोटेंशियल रिस्क बताने में और रिटर्न क्या रहेगा हमारा एसोसिएटेड विद द सच डिसीजन। जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें हमें क्या रिटर्न मिलेगा, कितना पोटेंशियल है, इन सभी चीज़ों को बताता है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस ऑफ्टन फेस अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एड्स इन एवेल्युएटिंग दीस रिस्क एंड डेवलपिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जो हमारा बिजनेस है ये जो है फेस करता है कभी कभी अनसर्टेनिटीज और रिस्क, जो हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करती है एवेल्युएट करने में उन रिस्कों को और डेवलप करने में एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पॉलिसी एंड रेगुलेशन। बिजनेस नीड टू नेविगेट वेरियस पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प इन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग एंड ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स गाइड बिजनेस इन मार्केट साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म गोल। जो हमारा कैपिटल बजटिंग है फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसका, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। ये जो है गाइड करता है बिजनेस को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में और उसके लॉन्ग टर्म गोल कैसे रहेंगे उन सभी चीज़ों में ये हेल्प करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन। जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसमें, बिजनेस डिसीजन में, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है मैनेजर्स को और डिसीजन मेकर को एक एनालिटिकल टूल और फ्रेमवर्क जो कि हेल्प करता है उन्हें एक एजुकेटेड डिसीजन लेने में, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है और लॉन्ग टर्म जो है उन्हें सक्सेस मिलती है। इट इज क्रूशियल इन हैंडलिंग द मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन फेस इन द फास्ट पेस्ड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये जो है हेल्प करता है जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडल करने में मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, अनसर्टेनिटीज को जो कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है फेस करनी होती है एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। इंक्रीमेंटल एनालिसिस द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज वन यूनिट एट ए टाइम अप्रोच इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ए स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन ए डिसीजन। इट एनेबल्स डिसीजन मेकर टू फोकस ऑन एनालाइजिंग द एडिशनल बेनिफिट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर चॉइस कंपेयर्ड टू मेंटेनिंग द करेंट सिचुएशन बाई ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स डिसीजन इंटू स्मॉलर स्टेप। Organizations can systematically assess each incremental change consequence. जो हमारे incremental principle है इसको जो है one unit at a time भी कहा जाता है approach, और इसमें involve होता है evaluate करना impact of a small incremental change in a decision. क्या impact पड़ा है हमारे small change in a incremental, जो change हमने छोटा सा करा उसका जो हमारे decision है उसका क्या impact पड़ा। ये जो है enable करता है decision maker को focus on analyze the additional benefit और साथ ही साथ कॉस्ट एसोसिएटेड जो होती है किसके साथ में, पर्टिकुलर चॉइस कंपेयर टू मेंटेनिंग द करंट सिचुएशन। और जो हमारा इंक्रीमेंटल एनालिसिस है इसमें जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन को एक स्मॉलर स्टेप में। ऑर्गेनाइजेशन जो है सिस्टमेटिकली एक्सेस करती है इच इंक्रीमेंटल चेंज को कंसिक्वेंसेस। सेंसिटिविटी एनालिसिस। द प्रिंसिपल इज पर्टिकुलरली valuable in sensitivity analysis where manager explore how variations in key variable affect a decision's outcome. किस तरीके से कोई भी variation जो है आता है हमारे key में तो वो किस तरीके से affect करता है decision के outcome पर। By incrementally adjusting these variable, decision maker can gauge the sensitivity of their decision to change in external factor, helping them understand the level of risk or uncertainties associated with each choice. Project evaluation. In project evaluation, the incremental principle is essential for determining the viability of project. The decision maker assesses the additional benefit and cost of undertaking a project compared to not pursuing it, allowing them to prioritize project
दैट ऑफर द हाईएस्ट इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन होता है इसमें जो है एवेल्यूएट करा जाता है कि कितनी जो है प्रोजेक्ट में इसमें कैपेसिटी है, कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग ए प्रोजेक्ट, और कंपेयर करा जाता है नॉट परस्यूइंग इट। ये जो है अलाउ करता है प्रायोरिटाइजिंग प्रोजेक्ट दैट ऑफर द हाईएस्ट इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें जो है एवेल्यूएट करा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें हमें हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसी में जो है सबसे पहले इन्वेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिस्क मिटिगेशन। बाई इंक्रीमेंटली टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड मिटिगेट डैम प्रोएक्टिवली। दिस अप्रोच अलाउ फॉर द ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क रिडक्शन मेजर्स मेकिंग इट इजियर टू मैनेज अनसर्टेनिटीज। रिस्क मिटिगेशन में जो है सभी चीज़ों को टेस्ट करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है स्ट्रेटजीज को, और ऑर्गेनाइजेशन जो है आइडेंटिफाई करती हैं कोई पोटेंशियल रिस्क और मिटिगेट करती हैं उनको किसी भी तरीके से, जो फाइंड आउट करें हैं उनको कैसे दूर करें जो रिस्क हैं प्रोएक्टिवली। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इंक्रीमेंटल थिंकिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जो हमारी इंक्रीमेंटल थिंकिंग है ये जो है क्लोजली लिंक्ड है किससे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से। ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक ग्रेजुअल रिफाइनमेंट टू देयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एमिंग फॉर इंक्रीमेंटल गेन एंड एफिशिएंसी क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ओवर टाइम। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंटिन्यूस जो है अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने पर मेहनत करती हैं, किस तरीके से वो क्वालिटी इंप्रूव करें, कंपटीशन है तो उसे किस तरीके से फेस करें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है इस तरीके से चलता है रहता है। कोई भी प्रोडक्ट है हमने एक बार मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया तो हो सकता है कि अब थोड़े दिन बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या पीपल को डिमांड आएगी भाई 20 मेगापिक्सल कैमरा नहीं हमें 50 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमें करना होता है। जैसे पहले 4G मोबाइल थे फिर उसके बाद अब 5G हैं, तो इसलिए जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इसी तरीके से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। मार्जिनल प्रिंसिपल। मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल प्रिंसिपल एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। जो हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल है ये एक एक्सटेंशन है किसका, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का। ये जो है एम्फेसाइज करता है कंपेयरिंग द मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच डिसीजन ऑप्शन। ये जो है एम्फेसाइज करता है, कंपेयर करता है किस चीज को, मार्जिनल बेनिफिट्स को और मार्जिनल कॉस्ट को। इट एनकरेजेस डिसीजन मेकर टू assess whether the benefit gained from one more unit of a resource or activity justifies the additional cost incurred. This analysis guides organization in resource allocation and pricing decision. ये जो हमारी analysis है ये guide करती है organizations को किसमें, resource allocation में और pricing decisions में। Resource allocation। Resource allocation क्या होता है? इन रिसोर्स एलोकेशन मैनेजर्स अप्लाई द मार्जिनल प्रिंसिपल टू डिटरमाइन वेयर द एलोकेट रिसोर्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट। जो रिसोर्स एलोकेशन होता है इसमें जो है मैनेजर जो है अप्लाई करते हैं मार्जिनल प्रिंसिपल किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए वेदर वेयर द एलोकेटेड रिसोर्स, जैसे कि हमारी लेबर है, कैपिटल जो खर्च हुआ है, टू मैक्सिमाइज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट, जिससे कि हमारी जो है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। रिसोर्स आर डायरेक्टेड टू एक्टिविटीज अंटिल द मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंश्योरिंग इफिशियंट यूटिलाइजेशन। कंज्यूमर चॉइस। मार्जिनल प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर एक्सेस वेदर द एडिशनल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट जस्टिफाइंग द एडिशनल कॉस्ट इन्फ्लुएंसिंग देयर परचेजिंग डिसीजन। जो हमारा मार्जिनल प्रिंसिपल होता है ये जो है इज रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर चॉइस। ये जो है समझने में होता है कंज्यूमर की चॉइस क्या है। कंज्यूमर एसेस वेदर द एडिशनल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग। अगर वो एक और यूनिट ज्यादा जो है प्रोडक्ट की खरीदता है एडिशनल, तो ये उसके जो है इन्फ्लुएंस करता है उसके परचेजिंग डिसीजन को कि किसी भी तरीके से हमारा जो कंज्यूमर है कि उसकी चॉइस क्या है, अगर उसको ज़्यादा पसंद आया तो वो उस प्रोडक्ट की ज़्यादा भी क्वांटिटी में उसे परचेज करेगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग डिसीजन हैविली रिलाइज ऑन द मार्जिनल प्रिंसिपल। जो हमारा प्राइसिंग डिसीजन होता है ये जो हैविली डिपेंडेंट होता है किस पर, मार्जिनल प्रिंसिपल पर। ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस हाउ चेंजिंग द प्राइस अफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट।
किस तरीके से किसी भी प्राइस को चेंज करके मार्जिनल कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है, मार्जिनल रेवेन्यू पर भी। ये हेल्प करता है सेट करने में एक मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल और मार्केट शेयर को। इकोनॉमिक्स ऑफ सेल। द मार्जिनल प्रिंसिपल इज यूज टू एवेल्युएट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज हाउ द कॉस्ट पर यूनिट चेंज एज प्रोडक्शन स्केल अप। द प्रिंसिपल गाइड्स डिसीजन ऑन द आइडियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी। कि किस तरीके से अगर हम जो है अपनी ऑपरेशन जो है प्रोडक्शन स्केल को हम ज्यादा बड़ा करते हैं तो हमारे जो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है वो किस तरीके से कम होती है। क्या हम जितना प्रोडक्ट बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या हम उतना सेल कर सकते हैं, और अगर ज्यादा हम कम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। कि हमें जो है एक ऐसा लेवल पे पता होना चाहिए कि किस लेवल पर हमारी जो है कॉस्ट भी ज्यादा ना आए और हमें जो है जो हमारी डिमांड है हम उसको भी फुलफिल कर सकें, इतना कम भी ना हो और इतना ज्यादा भी ना हो कि हम जो है उसको जो है ज्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, ट्रेड ऑफ एंड अल्टरनेटिव्स। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ इन डिसीजन मेकिंग। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ चॉइस इट मस्ट कंसिडर द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी फॉरगॉन। मैनेजर शुड रिकॉग्नाइज दैट रिसोर्स स्पेंड वन ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। रिसोर्स एलोकेशन। इन रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज क्रूशियल। इट एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज वेयर द फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट द लोएस्ट वैल्यू। दिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज देयर रिटर्न फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स एलोकेशन में यह है कि आप इस पर समझा जाता है कि किस तरीके से एलोकेट करा जाए रिसोर्सेज को जिससे कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल सके, हम मैक्सिमाइज जो हमारे रिसोर्स है उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। कैपिटल बजटिंग। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल प्ले ए सेंट्रल रोल इन कैपिटल बजटिंग। जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है जो है प्ले करते हैं एक सेंट्रल रोल, किसमें? कैपिटल बजटिंग में, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है एवेल्यूएट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, डिसीजन मेकर एक्सेस नॉट ओनली द प्रोजेक्ट पोटेंशियल रिटर्न बट also the opportunity they give up by investing in the project rather than alternative investment। जो हमारी opportunity cost principle है ये जो है play करता है important role किसमें? capital budgeting में, जहाँ पर organization जो है evaluate करती है long term investment projects को। जब जो है decision maker जो है सोचता है कि किस तरीके का potential return हमें मिले जो कि हम जो है invest करें किसी भी नए alternative project की जगह, जो हमारा existing है उस पर अगर हम और invest करते हैं तो हमें return कैसा मिलेगा, और अगर हम नए पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किस तरीके का रिटर्न मिलेगा, कि क्या चीज हमारे लिए ज्यादा बेटर है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस इनफॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन चूज स्ट्रेटजीज दैट अलाइन विद देयर गोल एंड वैल्यू वाइल रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेड ऑफ एसोसिएटेड विद ईच अदर चॉइस। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, समझा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन रिस्क असेसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन गेज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजन एंड कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेरियस रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। कंपेरेटिव एडवांटेज। इन इंटरनेशनल ट्रेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल हेल्प कंट्रीज आइडेंटिफाई देयर कंपेरेटिव एडवांटेज। जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसमें जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल जो है हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कंपेरेटिव एडवांटेजेस को बाय स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस विद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेशंस कैन बेनिफिट फ्रॉम म्यूचुअल एडवांटेजियस ट्रेड रिलेशनशिप। रिसोर्स एफिशिएंसी। द प्रिंसिपल गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंसी बाय एक्सेसिंग नॉट ओनली द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ए डिसीजन बट ऑल्सो द इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद फॉरगॉन अल्टरनेटिव। दिस अप्रोच प्रोमोट रिसोर्स एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटजीज थिंकिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेस दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एंड द अपॉर्चुनिटी टू अर्न ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग फ्यूचर बेनिफिट एंड कॉस्ट टू देयर प्रेजेंट वैल्यू फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपेरिजन। जो हमारा डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है ये जो है रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस,
जो हमारी वैल्यू है मनी की वो चेंज होती है ओवर टाइम। किन किन फैक्टर्स की वजह से, इन्फ्लेशन है, अपॉर्चुनिटी टू अर्न ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये जो है इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग फ्यूचर बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ देयर प्रेजेंट वैल्यू, फैसिलेटिंग मीनिंगफुल कंपेरिजन। इन्वेस्टमेंट इवेल्यूशन, इन इन्वेस्टमेंट इवेल्यूशन सच एज कैपिटल बजटिंग, द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इज फंडामेंटल, फ्यूचर कैश फ्लो आर डिसकंटिन्यूड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू टू एक्सेस वेदर एन इन्वेस्टमेंट जनरेट्स ए पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। रिस्क असेसमेंट डिस्काउंटिंग अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू इनकॉर्पोरेट रिस्क इन टू डिसीजन मेकिंग, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट्स और अप्लाइड टू फ्यूचर कैश फ्लो रिफ्लेक्टिंग द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ईच इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट। रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशंस एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो हमारी रिसोर्स एलोकेशन है, इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एलोकेट करती हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसके बेसिस पर, प्रेजेंट वैल्यू के एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पर। कैसे, बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट, कंपेयर करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट की, दे प्रायोरिटाइज दोस दैट ऑफर द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो है प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इज इंटीग्रल टू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज्ड इन इवेल्युएटिंग पॉलिसीज प्रोजेक्ट एंड initiatives, it ensure that the time value of cost and benefit is considered, leading to informed decisions. Loan and investment decision, in financial management, discounting is used to assess loan terms and investment opportunities. Organization analyze whether taking a loan or investing in a financial instrument providing a positive net gain when considering the time value of money. Budgeting and financial planning, budgeting and financial planning kya hai, organization jo incorporate discounting when budgeting and planning for future. Jab jo hai future ke bare mein planning hoti hai, budgeting hoti hai, ye cheez isme financial planning mein aati hai. Ye allow karta hai for realizing assessment of लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टे फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। जो फ्यूचर के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसकी हेल्प से जो है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होती है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत से निपटने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम परस्पेक्टिव प्रिंसिपल, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम परस्पेक्टिव एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन वैन मेकिंग डिसीजन। जो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है इस कॉन्सेप्ट में जो है टाइम परस्पेक्टिव जो है इनक्रेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, किस में, बैलेंस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन में। जो हमारे शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म जो भी कंसिडरेशन हम कर रहे हैं दोनों को हम जो है बैलेंस करें। और ये जो है इट रिकॉग्नाइज दैट टूडे चॉइस कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ये जो है रिकॉग्नाइज करता है कि आज जो हमने सेलेक्ट करा है इसका जो है फ्यूचर पर इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से ये जो है हमारे लिए पॉजिटिव वे में हो सकता है और नेगेटिव वे में हो सकता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेनिफिट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्ट्रेटजीज दैट अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन एंश्योरिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस टुवर्ड देयर गोल्स। जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इसका बेनिफिट क्या है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में, जो हम जो है लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी प्लानिंग करते हैं तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है हमें। हम जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एक जो हमारी एक स्टेट होती है कि हम जो है थर्ड पोजीशन पे थे, हम इम्प्रूव होते होते वन पे आ गए। क्यों? क्योंकि हमने जो है कंटिन्यूस इम्प्रूव करा अपने आप को, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करा। रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस आर बेटर एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिड्यूस पोटेंशियल हैजार्ड्स दैट माइट materialized in future by taking the longer term effect the choice into account. Innovation and adaptability, promoting innovation and adaptability calls for a time perspective that is forward looking. In dynamic market business that focus see future trends and opportunities are more likely to succeed. Jo hum jo hai promote karte hain innovation ko aur adaptability calls ko फॉर टाइम परस्पेक्टिव। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप को इम्प्रूव करने में जो है प्रमोट करती है ज़्यादा टेक्नोलॉजी को, किस तरीके से और ज़्यादा हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्क में, वर्क
एरिया में, उससे जो है जो हमारा बिजनेस होता है इसको जो है फ्यूचर की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करने में हेल्प मिलती है और आसानी होती है अपना डिमांड को फुलफिल करने में और साथ ही साथ जो ट्रेंड्स होते हैं उनमें बने रहने में। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स अडॉप्ट ए लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट बाय इवेल्युएटिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन टेक इनटू अकाउंट द सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस। सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम जो है अडॉप्ट करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट, कैसे, बाय इवेल्युएटिंग ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ पॉलिसी। एवेल्युएट करके किसी भी पॉलिसी का कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसा रहेगा ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है एक्शन लेती है और लॉन्ग टर्म उसको एडवांटेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिलायंसेस द टेम्पोररी पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल एड्स इनटू इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल शॉक्स एंड इकोनॉमिक डाउन टाइम। ऑर्गेनाइजेशन कैन बेटर विद स्टैंड क्राइसिस बाई मेकिंग कंटीजेंसी प्लान्स एंड टेकिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन टू अकाउंट। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन इसमें नंबर वन पॉइंट है। अनटिल द मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल अक्रॉस ऑल एक्टिविटीज, जब तक हमारा मार्जिनल बेनिफिट जो है इक्वल ना हो अक्रॉस ऑल एक्टिविटीज में, ऑर्गेनाइजेशन आर गाइडेड बाई द इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट बाई वेन एलोकेटिंग रिसोर्स टू वेरियस एक्टिविटीज। दिस गारंटी दैट एसेट्स आर एलोकेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू अकम्पलिश द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव। एफिशियंसी रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाई लिमिटिंग ओवर इन्वेस्टमेंट इन वन सेक्टर वाइल नेग्लेक्टिंग अनदर। इट एनकरेज एफिशियंसी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, द ओवरऑल यूटिलाइजेशन और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज वेन रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी एक चीज पर ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट की जगह सब चीज को इन्वेस्टमेंट करने की इसमें जो है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल में फोकस होता है, सेटिस्फाई हो जिससे कि मैक्सिमाइज हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और सभी में इक्वली जो है वो डिवाइड हो। बजट एलोकेशन द इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट एड्स ऑर्गेनाइजेशन इन चॉइसिंग द बेस्ट एलोकेशन दैट स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट वेन एलोकेटिंग फंड टू वेरियस डिपार्टमेंट और इनिशिएटिव। बजट एलोकेशन में क्या होता है, जो हमारे इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने में बेस्ट एलोकेशन को, बेस्ट जो भी एलोकेशन है उसको सेलेक्ट करने में, जो कि हेल्प करता है बैलेंस बिटवीन कॉस्ट और बेनिफिट में जब एलोकेट करा जाता है फंड्स को वेरियस डिपार्टमेंट में और इनिशिएटिव में। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन दिस कॉन्सेप्ट एड्स इन figuring out the best mix of input for process that aim to maximize output while minimizing cost. किस तरीके से जो है ये जो हमारा production optimization है ये जो है help करता है figure out करने में best mix of input for process, किस तरीके से हम जो है maximize output मिलेगा हमें minimum cost में based on their minor production contribution input are distributed. Consumer decisions when deciding between different item or services, consumer use the equi marginal principle. They distribute their fund to maximize their overall utility, ensuring they get the most enjoyment out of their purchase. Project selection organization assess proposed project based on their marginal return during project selection. The project with the greatest marginal return on investment are given resource. Economic efficiency, the equi marginal principle promote economic efficiency. जो हमारे equi marginal principle है ये जो है promote करता है economic efficiency को, कैसे, by helping individual make choice that lead to the best use of available resource and promote overall well-being. किस तरीके से best use हो सकता है हमारी available resources का और ये promote करता है overall वेलबींग को। यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस ये कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड क्वांटिफाइंग द सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस दैट इंडिविजुअल्स ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज। यूटिलिटी एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, इसका फोकस होता है समझने में कि किस तरीके से हमने जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं जो इंडिविजुअल है जिसने हमारा गुड्स और सर्विसेज को यूज करा है या कंज्यूम करा है,
ये जो है प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल किसमें, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहां पर ये हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कंज्यूमर बिहेवियर और चॉइसेस को। की कॉन्सेप्ट इन यूटिलिटी एनालिसिस। नंबर वन, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज मेजर ऑफ द सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और वेल बींग दैट इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। जो हमारे यूटिलिटी है ये मेजर करता है क्या चीज, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस और वेलबींग। जो भी इंडिविजुअल है जिन्होंने हमारे सर्विसेज को और गुड्स को कंज्यूम करा है कि वो कितने हैप्पी है, सेटिस्फाई है हमारी सर्विस से, ये हर एक पर्सन से पर्सन अलग होता है और सिचुएशन टू सिचुएशन अलग होता है। यूटिलिटी इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट इज inferred from individual choice and preferences. Total utility. Total utility represent the overall satisfaction derived from consuming a specific quantities of a good or service. As individual consume more of a good or service, their utility, total utility typically increases, but at a decreasing rate. Marginal utility. Marginal utility is the additional satisfaction gained from consuming one more unit of a good or service while holding the consumption of other goods constant. It indicates how much a person value an additional unit of a particular good. Diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility states that a person consume one more unit of a good or service, the additional utility derived from each successive unit decrease. This principle reflects the idea that individual allocate their resource to maximize overall utility. Indifference curve. Indifference curve kya hai? Indifference curve are graphical representation of different combination of goods or services that provide the same level of satisfaction to an इंडिविजुअल। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, जो कि प्रोवाइड कराता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसको, इंडिविजुअल को। ये जो कर्व है ये हेल्प करता है इलस्ट्रेट करने में इंडिविजुअल प्रेफरेंस और चॉइसेस को। बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट रिफ्लेक्ट द लिमिटेशन इंडिविजुअल फीस इन एलोकेटिंग देयर इनफॉर्म इनकम टू वेरियस goods and services. They are represented by the budget line. Such show the combination of goods that can be purchased with a given income. Relevance and applications of utility analysis. Consumer choice. Utility analysis जो है एक fundamental in explaining consumer choices. जो utility analysis ही एक fundamental है किसमें, explain करने में consumer choice को. Consumer aim to maximize their total utility within budget constraint, leading to rational consuming decision. Pricing strategy. Business use utility analysis to understand consumer preference and willingness to pay for good or services. Pricing strategy often consider the perceived utility of product to set a competitive price. जो हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी होता है इसमें जो है बिजनेस जो है चेक करते हैं, समझते हैं कि कस्टमर के प्रेफरेंस कैसी है, किस चीज़ को खरीदने में उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है और कितना वो पे कर सकता है, कितना पे करने के लिए कंज्यूमर जो है हमारा तैयार है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करा जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंपनीज डिजाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर यूटिलिटी। जो कंपनीज होती हैं डिजाइन करती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिससे कि मैक्सिमाइज हो सके कंज्यूमर यूटिलिटी। फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर की कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो हमारा फीचर और एट्रीब्यूट्स है ये जो है एनहेंस हो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, जिससे कि ये जो है की कंसिडरेशन होते हैं हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। मार्केट सेगमेंटेशन। अंडरस्टैंड करना वेरिएशन इन यूटिलिटी अमंग डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप हेल्प इन मार्केट सेगमेंटेशन। हेल्प होती है हमें समझने के अलग अलग मार्केट सेगमेंटेशन में। बिजनेसेस कैन टेलर देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू कैटर टू स्पेसिफिक यूटिलिटी प्रेफरेंसेस। एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूटिलिटी एनालिसिस कंट्रीब्यूट्स टू अंडरस्टैंडिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है ये कंट्रीब्यूट करता है समझने में प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये जो है हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि किस तरीके से चेंज होता है
प्राइस में है तो वो इफेक्ट डालता है क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी हमारी। कंसिडरिंग कंज्यूमर परस्पेक्टिव यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे फॉर ए गुड एंड व्हाट दे आर एक्चुअली पे। कितना कंज्यूमर जो है पे करना चाहता है बट एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है किसी भी गुड और सर्विसेज के लिए। इट्स क्लोजली रिलेटेड टू यूटिलिटी एनालिसिस, ये जो है रिलेटेड है जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस। इट क्वांटिफाइज द एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूमर रिसीव व्हेन दे पे लेस फॉर ए प्रोडक्ट। पब्लिक पॉलिसी, यूटिलिटी एनालिसिस प्ले ए रोल इन पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन रिलेटेड टू टैक्सेशन सब्सिडीज एंड रेगुलेशन। यूटिलिटी एनालिसिस जो है प्ले करती है रोल किसमें? पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन में जो कि रिलेटेड होते हैं टैक्सेशन सब्सिडी और रेगुलेशन के। पॉलिसी मेकर कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन कंज्यूमर वेलफेयर एंड यूटिलिटी। इकोनॉमिक मॉडलिंग, इकोनॉमिस्ट यूज यूटिलिटी फंक्शंस टू मॉडल एंड प्रिडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर इन इकोनॉमिक मॉडल। These models help analyze the effect of various economic policies and market changes. Difference between cardinal utility and ordinary utility. Cardinal utility or ordinal utility are two different approaches. ये दोनों different approaches हैं used to measure, जो कि यूज करी जाती है मेजर करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए concept of utility in economics. They represent distinct way of accessing the ranking preferences and they have important implications for understanding consumer behavior and decision making. ये जो है represent करता है distinct way access and ranking preferences. ये जो है important implications है किस लिए understand करने के लिए consumer behavior और decision making. डेफिनेशन, cardinal utility क्या definition है cardinal utility? Cardinal utility refers to a क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ यूटिलिटी वेयर इंडिविजुअल असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूटिलिटीज टू द सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस दे ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑन द अदर हैंड डज नॉट इन्वॉल्व असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूटिलिटी, इंस्टेड इट फोकसेस ऑन रैंकिंग प्रेफरेंसेस एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ चॉइसेस बेस्ड on an individual subjective preference. In this approach, utility is represented ordinary, indicating only the order of preference without quantifying the degree of satisfaction. जो हमारी cardinal utility है, ये refers होती है quantitative measures को of utility, जहाँ पर individual assign होते हैं numerical value और utilities जो है satisfaction और happiness को। ये जो है drive करती है from consuming goods and services. और जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है ये जो है डज नॉट इन्वॉल्व असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें कोई भी असाइन नहीं किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूटिलिटीज, किसी भी यूटिलिटी को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करी जाती है। इसका जो फोकस होता है रैंकिंग में होता है, रैंकिंग प्रेफरेंसेस में और एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्डिनल रैंकिंग में, जिससे कि चॉइस हो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस पर। Difference between on the basis of measurement. Cardinal utility. In cardinal utility approach, utility can be quantified and measured using numerical unit. जो हमारी cardinal utility approach है, utility जो है can be quantified and measured using numerical unit. ये जो है quantified होती है can be और measured होती है use करके numerical units का. This means that individual can assign a specific value to their preference and choice. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है तो एक स्पेसिफिक वैल्यू उसको दे दी जाती है उसकी प्रेफरेंस और चॉइसेस की। फॉर एग्जाम्पल, वन माइट असाइन ए यूटिलिटी ऑफ 10 यूटाइल्स टू ए पर्टिकुलर गुड एंड 20 यूटाइल्स टू अनदर। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी रिलाइज ऑन रिलेटिव ranking. It allows individual to indicate their preferences by stating which option they are prefer most, second most, third most and so on. However, it does not specify the magnitude of the difference in utility between preferences. Comparison of preferences. Cardinal utility with cardinal utility, it is a possible to compare the extract differences in utility difference different options. In ordinal utility only allow for comparison
in term of preference order. It does not provide information about the intensity of preference. It can only tell us that one option is preferred to another, not by how much. Mathematical operations, cardinal utility. Mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division can be applied to cardinal utility values. Cardinal utility value जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए जैसे हमारी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी अप्लाइड हो सकते हैं कार्डिनल यूटिलिटी वैल्यूज में. दिस एनेबल इकोनॉमिस्ट टू वर्क विद यूटिलिटी फंक्शन एंड कंडक्ट वेरियस मैथमेटिकल एनालिसिस. ये जो है एनेबल करता है इकोनॉमिस्ट के लिए वर्क करना विद यूटिलिटी फंक्शन और कंडक्ट करना वेरियस मैथमेटिकल एनालिसिस. ऑर्डिनल यूटिलिटी, इन ऑर्डिनल यूटिलिटी डज नॉट परमिट मैथमेटिकल ऑपरेशन. जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है इसमें जो है कोई परमिट नहीं होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ऑन प्रेफरेंस, सिंस यूटिलिटी रैंकिंग डज नॉट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू. क्योंकि जो हमारी यूटिलिटी रैंकिंग होती है उसमें जो है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है. इट ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंस, नॉट द मैग्नीट्यूड. यूटिलिटी फंक्शंस, कार्डिनल यूटिलिटी. Cardinal utility is often used to construct utility function which are mathematical representation of an individual preferences. These functions provide a quantitative framework for analyzing consumer choice and driving demand curve. जो हमारी cardinal utility है ये जो है often used करी जाती है construct utility function में जहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रेफरेंसेस होती है. कार्डिनल यूटिलिटी में जो भी पर्सन होते हैं उनको एक नंबर दिया जाता है जो कि जो है हमारे ऑर्डिनल यूटिलिटी में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है. दीज फंक्शन प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग कंज्यूमर चॉइस एंड ड्राइविंग डिमांड कर्व. ये जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड कराते हैं क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क किस लिए एनालाइज करने के लिए कंज्यूमर चॉइस और ड्राइव करने के लिए डिमांड कर्व. ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है डज नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन सिंस इट लैक कार्डिनल वैल्यू. इंस्टेड इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू टूल्स लाइक इंडिफरेंस कर्व विच शो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये था डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा. ये था हमारा कंप्लीट रिविजन. इसी तरह की और वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.